ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, जनतंत्र है, लोग अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, किसी पर कोई दबाव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में, आपके साथ अभिजय सिंह। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है आज पूरे देश भर में, जो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मतदान हो रहा है, और जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कांग्रेस के द्वारा चुनाव किया जा रहा है ये सब ढकोसला है, जो कांग्रेस जो चलाएंगे तो गांधी परिवार ही चलाएंगे, तो जो तारिक अनवर है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गांधी परिवार तो इसमें सहयोग करेंगे ही, जो विचार विमर्श होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी चुन कर आएंगे उसमें जो विचार विमर्श होगा वो गांधी परिवार का भी रहेगा, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी विचार विमर्श होगा, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई फैसला लेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं तारिक अनवर, पहले सुनिए उनकी बातों को। दिखावे के लिए एक बार चुनाव करा देती, जब से बीजेपी का गठन हुआ है मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी इस तरह से चुनाव हुआ हो। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश में जो बाधापता चुनाव कराती है, और उसका जीता जागता आज आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग लाइन में लगकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे देश के लगभग 9000 हमारे जो वोटर हैं या डेलीगेट्स हैं वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे आज, और इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, जनतंत्र है, लोग अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, किसी पर कोई दबाव नहीं है। पार्टी और संगठन को तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही चलाएंगे, बीजेपी तो लगातार सवाल उठा रही है। देखिए, ऐसा है कि जो नेता होता है वो तो नेता होता है। बीजेपी में भी अटल बिहारी वाजपेयी जब कुछ नहीं थे तो उनकी बात चलती थी कि नहीं चलती थी, या अडवाणी जी की बात चलती थी या नहीं चलती थी। तो जो नेता होता है पार्टी का तो उसकी बात तो चलेगी, उसको ले कर ही चला जाएगा। लेकिन जहाँ तक अध्यक्ष का सवाल है, अध्यक्ष जो चुनकर अभी अध्यक्ष बनेंगे, जाहिर है कि पार्टी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर उनकी होगी कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, लेकिन वो सबकी सलाह मशवरा लेंगे और ख़ास तौर पर गांधी परिवार से ज़रूर लेंगे, क्योंकि गांधी परिवार और कांग्रेस को अलग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के दो दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं, क्या लग रहा है, अनुभव भारी पड़ रहा है? देखिए, और ये तो चुनाव है। तो आपने साफ तौर पर सुना, तारिक अनवर ने साफ तौर पर बताया है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव तो हो रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि गांधी परिवार यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विचार विमर्श से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी फैसला लेंगे, यानी कि स्पष्ट रूप से जो बीजेपी आरोप लगा रही है उस पर तारिक अनवर ने साफ तौर पर कहा है कि वो सब जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से गलत बोल रहे हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्षता से कराया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुन के आते हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो दो उम्मीदवार हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे और वहीं शशि थरूर, और अब देखने वाली बात हो कि इन दोनों में से कौन जीतकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।